अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपकी? उम्मीद है ठीक होंगे। होप यू डूइंग ग्रेट। कराची में बेसिकली बारिश होती नहीं है इतनी, लेकिन मानसून चल रहा है तो बारिश हो रही है, अभी भी हो रही है। मैं नहा के आ गई हूँ, एक घंटा लगाया पूरे नीचे, पागलों की तरह घूम रहा था मैं बारिश। खैर, बात यह है कि संडे का दिन है, और अगर आपने संडे के दिन में हलवा पूड़ी नहीं खाई तो फिर संडे मनाया कैसे आप? हाँ भैया, संडे मनाया कैसे? और फिर बारिश में अगर संडे का दिन और फिर हलवा पूड़ी हो जाए तो क्या ही बात है। घर वालों ने तो पहले सुबह उठते ही बोल दिया, बेटा उठो जाओ हलवा पूड़ी लाओ। आपका भाई लगा रहा हलवा पूड़ी की लाइन में, और वहाँ हो रही थी बारिश, और मेरे दिल में कुछ हो रहा। मैंने बोला, यार मैं नहा नहीं रहा, मैं हलवा पूड़ी ले रहा हूँ खड़े होकर। व्हाट इज़ दिस यार, मतलब व्हाट द हेल। खैर, मैंने फौरन से हलवा पूड़ी उठाई, घर आया और कपड़े चेंज करके नहाने चला गया। बाथरूम में नहीं, बाहर, बारिश नेचुरल पानी में। खैर, फिर हम अभी आया हूँ मैं नहा के, मतलब घर वाले पानी से नहा के आया हूँ। फिर आपको दिखाते हैं बारिश के सीन के साथ हलवा पूड़ी के सीन। तो आप हलवा पूड़ी के सीन देख के आए, उसके बाद मिलते हैं आपसे। कैसा लगा आपको हलवा पूड़ी का सीन? बस आज का व्लॉग यही है, मतलब व्लॉग कह सकते हो, मतलब कह सकते हो। बाकी मुझे बात ये करनी थी कि अगर कराची में बारिश हो जाए तो पूरा कराची डूब जाता है, और अभी तो कंटिन्यूसली 3 घंटे से बारिश हो रही है। गॉड, अल्लाह ही हाफिज़ कराची। घर वाले बोल रहे कहीं लेके चल लो। मैंने बोला, यार कराची है, डूबा हुआ होगा, हम भी कहीं ना डूब जाएं। खैर, अगर आपने हलवा पूड़ी का सीन देख लिया और आँखों में पानी आ रहा है तो मेरी गलती नहीं है भाई, ये आपका मसला है। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठे और आप हलवा पूड़ी नहीं लेकर आए, व्हाट कैन आई डू फॉर यू मैन। खैर चलें, मतलब आप हलवा पूड़ी लेकर आते हैं, बाहर बारिश हो रही हो और आप बैठे हो डाइनिंग टेबल पे, नहीं, और आप बैठे हो टेरेस पे, अगर टेरेस है तो, और आप खा रहे हो बारिश में हलवा पूड़ी, क्या बात है यार, क्या बात है। खैर, बहुत मज़ा आया, और अभी मेरे ख्याल और भी बारिश होगी तो आपको ज़्यादा बारिश के सीन नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अब मुझे नहीं पता आप किधर बैठे हैं। अगर कराची में तो आपको मज़ा आएगा, अगर आप इस्लामाबाद या पिंडी में हैं तो आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर हर वक्त बारिश हो रही होती है। चलें फिर, मैं जा रहा हूँ तो बारिश में नहाने, और फिर मिलते हैं आपसे। तो यार, आज भी मेरा मूड नहीं हो रहा जिम करने का, तो आज मैं जाऊँगा बाहर, मतलब साइकिल पे जाऊँगा, क्योंकि आज यार मौसम अच्छा, और मैंने सोचा आज मौसम अच्छा है तो जिम नहीं करते, साइकिल पे चलते। तो अभी हम साइकिल पे जाएंगे और आपको दिखाएंगे बाहर के सीन्स। चलें फिर, बाहर मिलते हैं। Into oblivion.
हाँ तो भैया हमने चला लिए 20 किलोमीटर और बहुत थक चुका हूँ मैं। मजाक करो, 20 किलोमीटर नहीं चलाई अभी, 5 किलोमीटर हुई है, बाकी थोड़ी सी चलाऊंगा फिर घर चलेंगे। हाँ तो भाई अब आ गए हैं हम घर पे, और घर पे आने के बाद शावर लेके आए हैं। मौसम तो अच्छा है लेकिन चलो अब गर्मी हो गई है क्योंकि अब हफ्स ही हो गए, बादल चले गए हैं, अब दोबारा बादल आएंगे उनसे होगी बारिश। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ, फिर आएंगे नेक्स्ट व्लॉग। लाइक करें, शेयर करें अगर पसंद आया हो तो, नहीं पसंद आया तो फिर भी कर दो यार, और सब्सक्राइब कर, जाते जाते बेल दबा देना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप मुझे देख सकें। अगर नहीं देखना चाहते तो मत देखें, लेकिन बेल बजा देना यार, देख लेना भाई, इतना भी बुरा नहीं हो यार। बारिश के पानी में पाँव तो बड़े मारे, लेकिन अब बड़े होके हम साइकिल मारेंगे पानी, नहीं सॉरी साइकिल मारते नहीं है, चलाते हैं, शरीफ बच्चे हम, मारते नहीं किसी।